हेलो, हाउ आर यू? कैसे हो आप सब? आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज हम डिस्कस करेंगे एक बहुत ही महान विषय है हमारे देश का, उसको कहते हैं धर्म। और धर्म के बारे में बहुत सारी टिप्पणी उसमिकसाएं हो चुकी हैं, और आप सोच रहे हो इसमें क्या नया हो सकता है। इसमें नया है, क्योंकि धर्म जो होता है वो कभी पुराना नहीं होता है। जो न्यू है, नया है, नूतन है, उसे ही हम धर्म कहेंगे। वो विषय है, वो चल रही है बातें, हमारे यही धर्म है, वो हमारा वो धर्म है, वो अलग विषय है। लेकिन जो हमारा इनर माइंड है, उसके बारे में मैं चर्चा करने वाला हूँ आपके साथ, क्योंकि इनर माइंड ही तो हमारा धर्म है। इट इज डिसाइड व्हाट इज रिलीजन। आपके माइंड में क्या चल रहा है, यही तो इम्पोर्टेंट है। नोबडी कैन चेंज यू, ओनली योर थॉट एंड यू विल चेंज यू। सो वी आर डिस्कस अबाउट यू, अबाउट मी एंड अबाउट यू। डोंट गिव इट। सबसे पहली बात तो मैं ये आपसे ये कहना चाहता हूँ, इस मैटर में आपको सीरियस होना पड़ेगा थोड़ा। ये नहीं कह रहा कि मैं गंभीर होना पड़ेगा, मैं क्या करूँगा, कैसे करूँगा, अब क्या होगा, इसके बारे में ये तो बात नहीं है। लेकिन जो ठीक है ना, जैसे चल रहा है उसको ही कैसे चलने दें, हम कोई टांग ना अड़ाएं उसके बीच में। ये मैं आपको बोलना चाह रहा हूँ। आप कहोगे हम तो जैसे चल रहे हैं, हमने तो छोड़ रखा है और हम कुछ नहीं कर रहे हैं उसके बाद उस विषय पर, ठीक है। लेकिन हमने कुछ भी छोड़ नहीं रखा है। जैसे एक जेल होती है ना, वैसे हमारा जीवन हो चुका है। एक आदमी के दिमाग में इतने विचार आते हैं सुबह से लेकर शाम तक, सोच भी नहीं सकते हैं, उसकी कोई गिनती नहीं है, कोई काउंट नहीं कर रहा उसको। इतने तो फर्जी विचार आते हैं जिसका पता ही नहीं है कि इनका कोई वैल्यू नहीं है, उनसे हमारे जीवन में कोई चेंज नहीं आ रहा है, ना कुछ बदलाव हो रहा है। लेकिन वो आए जा रहे हैं, जाए जा रहे हैं, और जो हमारा मानसिक पटल है उसको अव्यवस्थित करते जा रहे हैं। और कई बार तो हम प्रभावित हो जाते हैं कुछ लोगों के मन से, उसका प्रभाव भी चलने लगता है माइंड में। और जो हमारा एक्चुअल माइंड है उसके बारे में हम कुछ भी पता नहीं लगा सकते हैं। तो मैं किसी भी पर्सन का जिक्र नहीं कर रहा हूँ जो आगे आए हैं या गए हैं। मैं आपको अपने बारे में, आपके बारे में और अपने खुद के बारे में बताने जा रहा हूँ। सबसे पहली बात, इसको ऊपर से मत देखो। आप सोचोगे भाई मैंने बाल बढ़ा लिए, दाढ़ी बढ़ा ली, और आप समझदार हो, बाबा का रूप ले लिया या किसी और का रूप ले लिया, ठीक है, वो मैटर नहीं है अपने माइंड के अंदर। हो सकता है आप लोगों में से कुछ कहेंगे भाई ये तो कुछ नया है ही नहीं, ये क्या है, ये क्या नहीं। मैं आपको आपके एक्सपीरियंस के बारे में बता रहा हूँ, आप जो अनुभव है